अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट 4.2 निबोश IG1 और ये न्यू सिलेबस के तहत है। बेसिकली ये लेक्चर जो चैनल के ऊपर है पहले अपलोड किया गया, लेकिन इसकी फिनिशिंग प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो रिकॉर्डिंग थी वो अपलोड प्रॉपरली नहीं हो सकी, और उसमें रिकॉर्डिंग की भी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से ये लेक्चर आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो लर्नर्स हैं, लिसनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बेशुमार बार हमें इस बारे में इन्फॉर्म किया, तो इसलिए और यहाँ से यही पता चल रहा था कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, यूट्यूब में प्रॉब्लम होने की वजह से लेक्चर जो है फिनिशिंग नहीं हो सकी और ये लेक्चर आपके पास मिसिंग आ रहा था। अब हम इस लेक्चर को, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम भी सर पे है, तो पहला जो ओपन बुक एग्जाम है वो भी सर पे है, तो इस हवाले से और नेक्स्ट भी अब एग्जाम इसके निबोश के स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस किए जाना बहुत ज्यादा लाजमी था। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 4.2 मतलब एलिमेंट 4 है आपका IG1 न्यू सिलेबस के तहत, और टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टिगेटिंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स। इसमें इसको डिस्कस करने से पहले, आगे चलने से पहले मैं एक बात बताता चलूं कि जो भी आप, क्योंकि रिपोर्ट करना बाय लॉ है, लेकिन इसको इन्फोर्स करने के लिए एक रेगुलेशन आया इसका, जिसको हम रिड और बोलते हैं, RIDDOR, जो कि 1995 में आया, लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है 2013। इसलिए अब आपको लेटेस्ट बुक्स में हेल्थ एंड सेफ्टी की वो रिड और मिलेगा, रिड और 2013, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिड और 2000, रिड और 1995। अब ये रिड और स्टैंड फॉर R फॉर रिपोर्टिंग, I फॉर इंजरीज, ठीक है, D फॉर डिजीजेस, D फॉर डेंजरस, O फॉर अकरेंसेस एंड R फॉर रेगुलेशन। के ये आपसे जब भी पूछा जाएगा कि हमने इंसिडेंट क्यों रिपोर्ट करना है, कौन सा रेगुलेशन कह रहा है, तो वो आप सिंपली उसमें कोट कर सकते हैं रिड और 1995, और अमेंडमेंट उसके अंदर हुई है 2013 में, तो इसलिए हम उसको रिड और 2013 के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने इसकी एब्रीवेशन बताई, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेज एंड डेंजरस अकरेंसेस रेगुलेशंस 2013, अब इसका लेटेस्ट जो है नाम है। अब सबसे पहले के इन्वेस्टिगेशन में रीजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, हमें इन्वेस्टिगेशन करने की क्या वजूहात हैं कि किन वजह से हम इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं, रीजंस टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने की वजूहात क्या है। सबसे पहली चीज हम इसमें जो देखते हैं वो है आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट कॉजेस। हमारा मकसद क्या है कि हम वजूहात की दो मेन जो टाइप्स हैं उनको, उनकी निशानदेही कर सकें, कौन कौन सी, एक इमीडिएट जो फौरी तौर पर सामने आती है, और एक हमारे पास इसके अंदर है रूट कॉज, रूट कॉज जिसके लिए आपको प्रॉपरली इन डेप्थ जाना पड़ता है, किसी भी इंसिडेंट, किसी भी एक्सीडेंट की डेप्थ में जाए बगैर आप रूट कॉजेस जो है वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्रिवेंट रिएकरेंस, के दोबारा इस तरह के वाकयात आपके वकूअ पज़ीर ना हो। तीसरा रीजन है जी कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस, कि आप शवाहिद इकट्ठे करते हैं, आप सबूत इकट्ठे करते हैं, और जब बात आती है कि कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एविडेंस क्यों है, तो इसके पीछे वजूहात बहुत सारी हैं। लीगली भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप एविडेंस देंगे, और ये एविडेंस इन फ्यूचर आपको काम आएंगे कि इस तरह के वाकयात से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, या इस तरह के वाकयात को दोबारा होने से हम कैसे रोक सकते हैं। लीगल रीजंस है जी इंश्योरेंस पर्पजेज के लिए, क्योंकि विदाउट एनी एविडेंस आपकी किसी भी तरह की इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं होगी, चाहे वो इंडिविजुअल की है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की है, कॉर्पोरेट सेक्टर की है, तो किसी भी सूरत वो आपकी इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं होगी। स्टाफ मोरल का इशू है, स्टाफ मोरल का इशू इस तरह से है कि अगर हर बार एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के बाद उन्हें इसी तरह विदाउट इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया गया, तो होगा क्या कि नतीजतन स्टाफ देखेगा कि आए दिन यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर काम नहीं किया जाता, और वो दोबारा
दोबारा जो है वकूफ पजीर होते हैं या दोबारा दोबारा वो वर्क प्लेस के अंदर रोनुमा होते हैं। उसके बाद डिसिप्लिनरी पर्पसेस, कि आपने किसी के खिलाफ डिसिप्लिन और जो आपने कार्रवाई वगैरह करनी है उसके लिए आपको सबूत के तौर पर ये रिक्वायर्ड होगा, और इन्वेस्टिगेशन इसलिए करेंगे, और डाटा गैदरिंग, और इससे आप डाटा गैदर करेंगे कि क्या मुहर्रिकात थे। अब टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट की आपने टाइप्स को जरा समझना है। इनके अंदर बड़ा मेन एक्सीडेंट, नियर मिस, जनरल सीक्वेंस, वर्क रिलेटेड, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर फर्क है, ठीक है, लेकिन मेन डिफरेंस है एक्सीडेंट और नियर मिस, जिसको आप इंसिडेंट भी, नॉर्मली जनरल इंसिडेंट आप उसको कंसिडर करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक्सीडेंट क्या है। अब याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन से पहले पहले, कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट, कोई भी वाकया, कुछ भी, कोई भी इवेंट जो है वो हमेशा अनवांटेड, अनप्लान्ड, अनडिजायर्ड होगा। इवन के अगर आप कहते हैं कि नहीं, कि आपके ऑपोजिट पर्सन ने या आपके ऑपोजिट ग्रुप ऑफ पीपल ने ये काम जानबूझ के किया, तो ये बात ठीक है कि उन्होंने डिजायर थी उनकी, उन्होंने डेलिब्रेटली किया, लेकिन आप जब अपने आप को सामने रखेंगे तो इसमें कहीं पे भी आपकी जो राय थी या आपकी मर्जी शामिल नहीं थी। इसलिए जब भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट को डिफाइन किया जाएगा तो हम इसको अनडिजायर्ड, अनवांटेड, अनप्लान्ड इवेंट ही डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। एक्सीडेंट में क्या कहता है, एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट विच लीड्स टू इंजरी, डैमेज आर लॉस। इंसिडेंट, इंजरी एक्सीडेंट, डैमेज ओनली एक्सीडेंट। इंजरी एक्सीडेंट क्या है, मैं एक बार रीड आउट कर लूं, फिर मैं इसको, जैसा मेरा तरीका है कि मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। इंजरी एक्सीडेंट वेयर द अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट लीड्स टू समवन सॉर्ट ऑफ पर्सनल इंजरी, एग्जांपल अ कट हैंड। डैमेज ओनली एक्सीडेंट वेयर द अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट लीड्स टू इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी डैमेज बट नॉट पर्सनल इंजरी, एग्जाम्पल अ वॉल इज डिमोलिश। अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि भाई ये तो समझ आ गई कि कोई भी आपने गैर मंसूबा बंदी के तहत ना चाहते हुए कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जो आपको नुकसान की जानिब ले गया, आपको उससे तकलीफ, जख्मी हुए या नुकसान पहुंचे या तकलीफ हुई, उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। एक होता है इंजरी एक्सीडेंट, जिसमें किसी का हाथ टूट गया, बाजू टूट गया, टांग टूट गई, ये इंजरी एक्सीडेंट है, ठीक हो गया, कट लग गया, ये सारी चीजें। डैमेज ओनली एक्सीडेंट वो होता है जिसमें आपका ह्यूमन जो है वो मुतासिर नहीं होता, वो सफर नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो इक्विपमेंट है, वो कई दफा उसको नुकसान पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की वॉल इज डिमोलिश, कि दीवार गिर गई, तो ये भी आपका एक रिसोर्स जो है उसका जाया होना है, और ये भी एक्सीडेंट में ही शुमार होगा। नेक्स्ट ही हमारे पास आता है नियर मिस, एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैड द पोटेंशियल टू लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट इनफेक्ट टू डू सो। मतलब कि अनप्लान्ड है ये भी, अनवांटेड इवेंट है, कि इसके लिए भी चाहता कोई नहीं है, इसके अंदर भी कोई मंसूबा बंदी, कोई भी चीज शामिल नहीं है, ठीक हो गया। तो ऐसा वाकया जो ना चाहते हुए है, जिसके लिए कोई मंसूबा बंदी की नहीं की गई है, जिसके अंदर ये सकत है, पोटेंशियल, यहाँ पे मैं बताता चलूं, यहाँ पे पोटेंशियल यूज हुआ है सकत के, ताकत रखने के मानों में। ये बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि एनर्जी दो तरह की, एक होती है पोटेंशियल, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम इंसानों में है जो अपनी मर्जी के तहत, मूव कर सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, हर जगह, ये हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक हो गया। और दूसरी जानब चेयर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कि जब तक हम इसको धकेलेंगे नहीं, इसके साथ इसको दाएं बाएं नहीं करेंगे, तो ये खुद से नहीं होगी। तो बेसिकली नियर मिस एक ऐसा अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट है जिसके अंदर पोटेंशियल तो है कि वो इंजर्ड कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नुकसान दे सकता है, लेकिन किसी भी वजह से वो नहीं दे पाता या नुकसान नहीं देता, तो हम उसको नियर मिस बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी अगली टाइप भी है, डेंजरस अकरेंस, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। डेंजरस अकरेंस की बात की जाए तो स्पेसिफाइड इवेंट दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द रेलेवेंट अथॉरिटी बाय स्टेट्यूट लॉ, एग्जाम्पल अ मेजर गैस लीक। कोई ऐसा वाकया हुआ
कोई ऐसा ओकेजन आया है कि जिसके अंदर खतरा या खदशा मौजूद है, तो आपको वो हर सूरत में क्या करना है, किसी रेलवेंट अथॉरिटी को आपने वो रिपोर्ट करना है, जैसे गैस लीक हो रही है और इस तरह की चीजें। वर्क रिलेटेड इल हेल्थ आर डिजीज और मेडिकल कंडीशन दैट इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू वर्क, एग्जाम्पल डर्मेटाइटिस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्किन इरिटेंट्स। अच्छा जी, ये जो डिजीज है, कोई भी ऐसी डिजीज होगी या मेडिकल कंडीशन होगी जो 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 वजह बनी, जो उस काम की वजह से, काम उसकी वजह बना, तो उसको हम वर्क रिलेटेड इल हेल्थ बोलेंगे। जैसा ये डर्मेटाइटिस इस पिक्चर में भी दिखा रही है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्किन जो होती है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। ये रिकवरेबल होती है प्रॉपर मेडिकेशन पे, ये रिकवरेबल होती है। नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ इंसिडेंट के बाद अब हम डिस्कस करने लगे हैं लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हमें किस किस लेवल पे या आपके जो इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उनको सामने रखते हुए हम किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करेंगे। आया इस तरह तो नहीं कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उस पर हायर अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं चल सकता। तो लाजमी है, जरूरी है कि हम उस जिस लेवल की हमें एक्सीडेंट या इंसिडेंट से सामना है, तो हम उसी लेवल की इन्वेस्टिगेशन का भी वहां पे अरेंजमेंट करें। लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आता है जी, पहले मिनिमल, इमीडिएट लाइन मैनेजर एंड नॉट एक्सेसिव टाइम और एफर्ट। जो लाइन मैनेजर होगा वो फौरी तौर पर उसको परफॉर्म करेगा, ना टाइम ज्यादा जाया करेगा ना एफर्ट ज्यादा ले लेगा। लो लाइन मैनेजर परहैप्स विद सम सपोर्ट एंड मोर टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व। जो लो लेवल की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें लाइन मैनेजर इन्वॉल्व तो होगा, लेकिन कुछ सपोर्ट, कुछ टाइम, कुछ एफर्ट वो इसके अंदर इन्वॉल्व करेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीजों में। मिडल मैनेजर विद सपोर्ट एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। अब मिडल मैनेजर इसमें इन्वॉल्व होगा मीडियम में, ठीक है, और वो सपोर्ट और सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। हाई में क्या है, सीनियर मैनेजमेंट आवर साइड विद टीम बेस्ड अप्रोच एंड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट। ये हाई जो होती है इसमें प्रॉपर सीनियर मैनेजमेंट आवर साइड विद टीम बेस्ड का ये होता है, इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी होंगे, इसमें एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, इसमें वर्क प्लेस पे मौजूद लोग भी होंगे, इसमें सुपरवाइजर, लाइन मैनेजर, मिडल मैनेजर, तमाम तर लोग मौजूद होंगे, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे। तो इस तरह की एक टीम बना के इसके ऊपर काम किया जाएगा। अच्छा जी, अब बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, जो आपका अमूमी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है वो क्या है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में हम आते हैं तो नंबर वन, सेफ्टी ऑफ द सीन। सेफ्टी ऑफ द सीन क्या है कि जिस जगह पे वाकया हुआ उस एरिया को सिक्योर कैसे, उसको महफूज कैसे, इज द एरिया सेफ टू अप्रोच, क्या उस जगह पे पहुंचना। ऐसा तो नहीं कि उस एक्सीडेंट के बाद वो जगह बाकी मजीद एक्सीडेंट्स के लिए जो है वो जो है ना उसके लिए एक कंफर्टेबल जोन बना गई है कि मजीद एक्सीडेंट्स वहां पे आसानी हो सकते हैं, तो ये आप मेक श्योर करेंगे। इस इमीडिएट एक्शन नीडेड टू एलिमिनेट डेंजर बिफोर कैजुअल्टीज आर अप्रोच्ड, के मतलब के इमीडिएट फौरी तौर पर जो एक्शन था वो वहां पर मौजूद है कि उस खदशे को खत्म करें बिफोर कैजुअल्टीज आर अप्रोच, के कैजुअल्टीज तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई और खतरा या खदशा मौजूद है तो उसको खत्म किया जाए। जिस तरह पास्ट में क्या होता रहा है कि एक बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही जो अथॉरिटीज हैं, जो भी आपकी रेस्क्यू अथॉरिटीज हैं या इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो पहुंचती थी तो दूसरा ब्लास्ट हो गया। इस तरह की एक्टिविटी से क्या होता है कि आप किसी भी एक्सीडेंट के ऊपर फिर प्रॉपरली गैदर इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो एक एक्सीडेंट होने के बाद तो नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक्सीडेंट के बाद वो आप ये समझ लें कि इंसानी हमदर्दी की वजह से वो उसमें कूद पड़ते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मजीद कैजुअल्टीज या जो आपकी सिचुएशन है वो बदतरीन होने का खदशा होता है, इसलिए आप इन एसओपीस को सामने रखेंगे। सेफ्टी ऑफ द सीन के लिए आप फौरी तौर पर जाएंगे कि एरिया अप्रोचेबल है। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं कि पुरानी एमरजेंसी को रेस्क्यू, पुरानी जो आपकी अपना जगह है उसको इन्वेस्टिगेट करने पे जाने से जाते हुए कोई दूसरा
दूसरी कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए कि इन्वेस्टिगेशन टीम भी उसका हिस्सा बन जाए या उससे मुतासर होने वालों में शामिल हो जाए। कैजुअल्टी केयर, ये सबसे पहले जो भी लोग वहां पे मौजूद हैं, जो लोग मुतासर हुए हैं, तो उनको कैजुअल्टी केयर, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जाए, हॉस्पिटलाइजेशन की जाए। आल्सो कंसीडर बाई स्टैंडर्स हु मे बी इन शॉक, और आपने सिर्फ उसे जो डायरेक्ट मुतासर हुए वो नहीं, जो पास खड़े लोग हैं वो उनमें से भी जो मुतासरीन में शामिल है, तो आपने उनको भी लुक आफ्टर करना है। नेक्स्ट, ही बेसिक इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स में हमारे पास चार फोर स्टेप्स हैं। स्टेप वन, गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखें, गैदर इंफॉर्मेशन ही है, गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि जो चीज अकायक पे मबनी इंफॉर्मेशन है आप उसको कलेक्ट करेंगे। स्टेप टू, एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजंस। आप इंफॉर्मेशन की जांच पड़ताल करेंगे और उससे कंक्लूजन आप लेंगे भाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। स्टेप थ्री, आइडेंटिफाई सुइटेबल कंट्रोल मेजर, कि इससे आइंदा बचने के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं। स्टेप फोर, प्लान द रिमेडियल एक्शन, और दोबारा हम क्या दुरुस्तगी ला सकते हैं कि ऐसे वाकयात से हम बच सकें। स्टेप वन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन में नंबर वन, सिक्योर द सीन। आप उस जगह को सिक्योर करेंगे। आइडेंटिफाई विटनेसेस, आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐनी शाहिदीन हैं, जिनसे इंटरव्यू करके हमें क्या हो सकता है कि किसी भी तरह की पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिसको हम इस्तेमाल में लाकर किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू विटनेसेस, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स। एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स में ये होगा कि आया ये जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थी, या जो SOPs बताए जा रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, या जो वाकयात हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसा रिस्क असेसमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ऐसा फेलियर या ऐसी कोई बैड प्रैक्टिस मौजूद थी, जिसकी वजह से जो गाइड की गई वर्कर्स को, और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आगे जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विटनेस इंटरव्यू टेक्निक, के जो आपके वहां पर गवाहान है या एनी शाहिदीन है, आपने उनसे इंटरव्यू कैसे लेना है, क्या टेक्निक होगी, किस तरीके कार को आप इस्तेमाल में लाते हुए ऐसा करेंगे। नंबर वन, क्वाइट रूम, नो डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल खामोश कमरा हो, उसमें किसी तरह का शोर या कोई भी किसी भी तरह डिस्ट्रैक्शन, रुकावट नहीं होनी चाहिए। एस्टैब्लिश अ रैपर्ट, आप एक जो रैपर्ट होती है बेसिकली एक रॉ डाटा के साथ जो रिपोर्ट, या जो आप कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन इस्टैब्लिश होती है, उसको हम रैपर्ट बोलते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस, नॉट अबाउट ब्लेम, ठीक है। यूज ओपन को एक्सटेंड, एग्जाम्पल हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक हो गया। कीप एन ओपन माइंड, अच्छा ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई क्यों कहते हैं? अगर आप उसको कहेंगे ये काम देखा था, वो कहेगा हाँ, हाँ नहीं, हाँ नहीं में आप कुछ भी उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो तो आप बाइस्ड होके बैठ गए, आपने डिसीजन लेके बैठे हैं, हाँ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं, आपने हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई के क्वेश्चन देने हैं, ताकि जो आपका विटनेस है, इंटरव्यू ही है, तो वो क्या कर सके, वो ऐसी बातें करे, वो हट के भी ऐसी बातें करे जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने में आसानी होगी। कीप एन ओपन माइंड, पहले से आप डिसीजन ही ले लेंगे कि भाई किसकी गलती है या कैसे है। टेक नोट्स, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी आप उसको अपने पास राइट डाउन कीजिए। आस्क फॉर अ रिटन स्टेटमेंट, अगर विलिंग है तो कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव वे में आप कन्विंस करके उससे रिटन स्टेटमेंट लें, थैंक द विटनेस कि उसने आपको हेल्प आउट किया है। अब डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी जो आपके देखे जा सकते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन होगी, वो उसमें कंपनी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क PTW जो है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स क्या है, प्रीवियस एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स क्या है, और सिकनेस और एब्सेंस रिकॉर्ड्स क्या है। तो उससे भी काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट होना एक मामूल बन गया है। अब जी स्टेप टू आ गया, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है आप उसे एनालाइज करेंगे।
इमीडिएट कॉज देखेंगे। इमीडिएट कॉज दो बातें हो सकती हैं, अनसेफ एक्ट्स हो सकती है, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट्स वो है जो वर्कर्स या ह्यूमन रिसोर्स वहां पे इन्वॉल्व है उसकी वजह से जो गैर महफूज इकदामात हुए हैं वो वजह हो सकते हैं। अनसेफ कंडीशन की बात करें तो उस वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद गैर महफूज आलात हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ा या उस वर्क प्लेस के ऊपर ये वाकया हुआ। अब अंडरलाइन रूट कॉजेस के लिए रीजन बिहाइंड द इमीडिएट कॉज के, इमीडिएट कॉज फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक बंदा गिरा, ठीक है। अब अनसेफ एक्ट क्या था कि वो लटक के लैडर पे काम कर रहा था, ठीक हो गया, वो अब गिर गया। अब वो लटक के क्यों काम कर रहा था, तो इसके पीछे, इस इमीडिएट कॉज के पीछे जो अंडरलाइन या रूट कॉजेज होंगी तो उसके लिए बहुत सारी बातें आएंगी। ऑफन फेलियर इन द मैनेजमेंट सिस्टम लाइक नो सुपरविजन, मतलब सुपरविजन नहीं हो रही थी कि भाई तुम लटक के क्यों काम कर रहे हो, ओवर रीचिंग तुमने नहीं करनी बावजूद इसके कारण, तो फिर नो सुपरविजन का इशू आ सकता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, नो पीपीई प्रोवाइडेड, नो ट्रेनिंग, नो मेंटेनेंस, नो चेकिंग और इंस्पेक्शन, इनएडिक्वेट और नो रिस्क असेसमेंट। तो आप इमीडिएट कॉज वो है जो आपने देख लिया जाहरी हालत में के अनसेफ एक्ट्स हैं, गैर महफूज इकदाम हो सकते हैं, गैर महफूज कंडीशन हो सकती हैं, और अंडरलाइन और रूट कॉजेज में क्या है कि उन इमीडिएट कॉजेज की मख्फी वजूहत क्या हो सकती हैं, छुपी हुई वजूहत क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट ही आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो इसमें एक एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी मुख्तलिफ लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो चुकी हुई है लेकिन क्योंकि अब इस टॉपिक ऐसा है तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज में जी, अ वर्कर इज स्ट्रक बाय अ लोड बीइंग कैरीड ऑन अ पैलेट बाय अ फोकलिफ्ट ट्रक। के फोकलिफ्ट ट्रक पे वर्कर है, ठीक है जी, वो आपका उसने पैलेट पे उठा के जा रहा था तो स्ट्रक बाय अ लोड, ठीक है, वर्कर उससे टकरा गया। आउटलाइन पॉसिबल इमीडिएट एंड अंडरलाइन कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक हो गया। अब इसकी हमने देखा या हमें जो ये वाकया सिनेरियो बताया गया है वो ये है कि एक एक जो वर्कर है, ठीक है, उस वर्कर ने क्या किया है, उस वर्कर ने आपका जो है वो क्या किया कि वर्कर किस तरह से, सॉरी, ये वर्कर किस तरह से फोकलिफ्ट ट्रक में जो है ना उससे टकराया। तो उसके पॉसिबल इमीडिएट कॉजेज और पॉसिबल अंडरलाइन रूट कॉजेस क्या है। पॉसिबल इमीडिएट कॉज क्या है, फेलियर टू सिक्योर द पैलेट। अब ये इमीडिएट कॉज ये है कि उस पैलेट को जिसके ऊपर लोड उठाया था उसको जो है ना वो सिक्योर नहीं कर सका। दूसरी बात, पुअर पोजिशनिंग ऑफ द ट्रक क्लोज टू द पेडिस्ट्रियन एक्सिस्ट, के जो पोजिशनिंग ऑफ द ट्रक है वो पेडिस्ट्रियन के करीब है, उनके एग्जिट के करीब है। एग्रेसिव ब्रेकिंग बाय द ड्राइवर, ड्राइवर बार बार ब्रेकिंग, आपको पता है कि अक्सर जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी लगा रहे हो तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका लोड जो होता है वो गिर सकता है। इनअटेंटिव पेडिस्ट्रियन स्टेप्स इनटू द पाथ ऑफ द फोकलिफ्ट ट्रक। चौथी बात ये हो सकती है कि जो पेडिस्ट्रियन है वो आपका फोकलिफ्ट ट्रक सही तरह से काम अपनी जगह पे था, अपनी वर्क प्लेस में, अपनी रेंज में, अपने रास्ते पे था, लेकिन पेडिस्ट्रियन उस एरिया में घुस आया है। तो ये पॉसिबल इमीडिएट कॉज जो जहरी आंख देख के बता सकती है। अब इसके अंडरलाइन या रूट कॉजेस क्या होंगे, नो ट्रेनिंग फॉर द ड्राइवर, ठीक है, कि उसको ट्रेनिंग ही नहीं प्रॉपर दी गई कि भाई तूने कैसे ड्राइव करना है वर्क प्लेस के अंदर। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियंस, वहां पर पेडिस्ट्रियंस और व्हीकल के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ियों के लिए अलग अलग जो है रास्ते या अलग अलग पाथ आपके नहीं बनाए गए थे। पुअर ड्राइवर इंडक्शन, पुअर ट्रक मेंटेनेंस, नो रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जिसकी वजह से ये हमारे पास पॉसिबल इमीडिएट कॉज और पॉसिबल अंडरलाइन या रूट कॉजेज हमारे सामने आती हैं। देन जी, स्टेप टू हमने डिस्कस किया था एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन का। अब स्टेप 3 पे हम आते हैं जो कि आइडेंटिफाई सुइटेबल कंट्रोल मेजर। अब हम देखते हैं कि इन कॉजेस को सामने रखते हुए कि आपने इसके लिए कंट्रोल मेजर्स बताने हैं, आपने क्या करना है इसके लिए कंट्रोल मेजर्स बताने हैं। फॉर इमीडिएट कॉजेस, क्लीन अप द स्पिल, आपने अब इमीडिएट कॉज क्लीन अप द स्पिल के, ट्रक स्लिप हुआ है वहां पे कोई लीकेज वगैरह हुई है तो आप उसको साफ कर दें। रिप्लेस द मिसिंग गार्ड, अगर वहां पे गार्ड इंस्टॉल थे कि जिसने पेडिस्ट्रियंस को रोका था या रोक सकता था कि वो उस पाथवे में ना आए, तो आप वो गार्ड आप प्लेस करें। रीलोकेट द ट्रेलिंग केबल, अगर कोई ऐसी
तार है जिससे उलझ के कोई गिर गया है, या वर्कर है, कोई भी इस तरह का इशू आया है, या कोई भी वर्कर किसी वर्क प्लेस में किसी तार, तो उस ट्रेलिंग केबल को आप माउंट कर दें तो ये हैजर्ड भी, ये भी वजह खत्म हो जाएगी। फॉर अंडरलाइन रूट कॉजेज मोर डिफिकल्ट है जी, क्योंकि आपको इसके लिए सिस्टम का एग्जामिनेशन करना पड़ता है या आपको सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है। फॉर अंडरलाइन रूट कॉजेज मोर डिफिकल्ट नीड टू मेक चेंजेस इन मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेप फोर है जी, आप प्लानिंग है द रिमेडियल एक्शन। डेंजरस कंडीशन मस्ट बी डेल्ट विद इमीडिएटली। जितनी डेंजरस होगी उनको हाई प्रायोरिटी पे रख के उनका टाइम स्केल कम करके उनको फौरी तौर पर आप देखें। इंटरिम एक्शंस में भी पॉसिबल, इंटरिम इब्तदाई या वक्ती तौर पर आप कोई ऐसे एक्शन ले लेंगे ताकि एक्टिविटी भी परफॉर्म हो जाए और आप जो है अपना काम भी आसानी सेफली कर सकें। अंडरलाइन कॉजेज विल रिक्वायर मोर कम्प्लेक्स एक्शन, विल टेक टाइम एफर्ट डिस्ट्रप्शन मनी नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन आपने लाजमी करनी है। अब जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड एक्शन क्या है, इंट्रोड्यूस इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल न्यू ड्राइवर, कि जितने भी नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए इंडक्शन इब्तदाई ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्या है, मीडियम। मीडियम इस तरह की हाई होती तो सबको ग्राउंड करके आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबको रोक के सबको उससे हटा के आपको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मीडियम ये, और 1 मंथ टाइम स्केल, क्योंकि एक दिन में आप फैसला करके ट्रेनिंग नहीं दे सकते। रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपका वेयर हाउस मैनेजर है, क्योंकि फोर्कलिफ्ट ट्रक जो है ये वेयर हाउस के अंदर ही मूव कर रहे हैं। देन जी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था कि रिड और हमारे पास मौजूद है रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेज जनरल सेक्रेंसेज रेगुलेशन के हवाले से। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास आता है, रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मिंग पीपल डेट एन इंसिडेंट हैज अकर्ड। रिपोर्टिंग क्या प्रोसेस है, वो इन्फॉर्म करे पीपल को कि इंसिडेंट हुआ है। कैन बी इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ट्रेनिंग या इस तरह की चीज की जाए, और उसके बाद ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक्सटर्नली भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज और इंश्योरेंस वगैरह ये सारे के सारे वहां पर पाए जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट। रिकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली रिकॉर्ड बोलते हैं कि जब भी आप किसी इवेंट को डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं जी। अब जी बात आ गई कि इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम के। इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम्स मतलब नॉर्मली मौजूद होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद है लेकिन इंडिविजुअल्स क्यों इस रिपोर्टिंग सिस्टम के ऊपर अमल पैरा नहीं होते या इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या इसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू रिपोर्टिंग, कि लोग रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते या वर्कर्स रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बैरियर्स टू रिपोर्टिंग इन अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के। इंसिडेंट रिपोर्टिंग के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है गैर शफाफ पॉलिसी है, कि कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने किसको रिपोर्ट करना है या किन सर्कमस्टांसेस में रिपोर्ट करना है, तो ये इशू है। नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस, कोई रिपोर्टिंग सिस्टम सिरे से है ही नहीं। आवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, अच्छा कुछ प्रोसीजर्स आपके ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको रिपोर्ट उसको रिपोर्ट दाएं बाएं, वो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जिसकी वजह से कोई भी वर्कर या कोई भी इंडिविजुअल कहता है बस जिस तरह से काम चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। एक्सेसिव पेपर वर्क, क्योंकि जाहिर बात है जब रिपोर्टिंग होगी जब जब जिस जिस अथॉरिटी को बताना पड़ेगा तो प्रॉपर पेपर वर्क करके बताना पड़ेगा, तो इसको भी अवॉइड करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिविजुअल्स या वर्कर आपके रिपोर्टिंग नहीं करते। टेक्स टू मच टाइम, ब्लेम कल्चर, हाँ ये हो सकता है कि दूसरे वर्कर कहे भाई तुमने रिपोर्ट क्यों किया, या जो जो इन्वॉल्व थे वही कह सकते हैं भाई तुमने क्यों इसके अंदर रिपोर्ट किया। अपाती है देन लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। अब जी इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन द सिवियरिटी, ठीक है, शिद्दत के ऊपर
कि कितनी शिद्दत का वाकया हुआ, उसको सामने रखते हुए दो तरह के हमारे मतलब दो जगह पे हमने इसको रिपोर्ट करना है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। जब बात आती है इंटरनली कहाँ करना है, तो इंटरनली हमने बताना है डायरेक्टर्स को बताना है, सीनियर मैनेजर्स को बताना है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को बताना है, हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल एडवाइजर्स को बताना है, और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को बताना है। एक्सटर्नल क्या है, फैमिली ऑफ द कैजुअल्टी, एक्सटर्नल अथॉरिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक रिलेशन एडवाइजर, इन सबको हम इसके बारे में बताएंगे। अब जी इंसिडेंट रिकॉर्डिंग एंड द एक्सीडेंट बुक। अब ये जो इंसिडेंट रिकॉर्डिंग होती है, आप पेपर वर्क तो करते ही हैं, आप इसकी फाइल भी बना सकते हैं सब कुछ, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक एक्सीडेंट बुक होती है, और उस एक्सीडेंट बुक का एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि जब तक हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, या वो चीजें जो स्टैंडर्ड को पूरा करने में जरूरी हैं उनमें से कोई एक भी मिसिंग होगी, तो आपकी एक्सीडेंट बुक, पहली बात, एक्सीडेंट बुक कहलाए ही नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो हमें डॉक्यूमेंट से भी या पेपर वर्क से भी मिल सकती थी। अब मिनिमम एक एक्सीडेंट बुक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ कैजुअल्टी, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ इंजरी, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट कॉजिंग इंजरी, डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, विटनेसेस नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि वो कहाँ से थे, क्या था, सबको, डिटेल्स ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड और सिग्नेचर, ताकि पता हो कि किस बंदे ने इंफॉर्मेशन की है। एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट्स, आपने कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो एक्सटर्नली रिपोर्ट करने हैं, जो लाजिम है, वो बाकी तो सिवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ऐसे हैं जो आपने एक्सटर्नली बताने हैं। सम इंसिडेंट्स नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटर बाय लॉ, फॉर एग्जाम्पल फेटेलिटी, मौत वगैरह वाकई होगी, मेजर इंजरी, कोई डिसेबिलिटी, डेंजरस एक्सटर्नल डिजीज या लॉस्ट टाइम इंजरीज, जिनको हम LTI भी बोलते हैं। तो ये था जी इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक, तो जिसके बारे में रिक्वेस्ट थी वो बेसिकली ये पहले रिकॉर्ड हो चुका है लेक्चर और पहले अपलोड हुआ, लेकिन टू सम रीजंस ये फिनिशिंग ना करने की वजह से आपको व्यू नहीं हो पा रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। अब क्योंकि ये नीबोश की जो सीरीज है लेक्चर्स की, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट, ऑलमोस्ट क्या, कम्प्लीट है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर हेल्प चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी टॉपिक पूरे कंप्लीट कोर्स पे चाहिए, तो वो आप अपनी राय दे सकते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसी के ऊपर लेक्चर सीरीज आ जाएगी। ऑल्दो अभी हमारी जो है Level 6 के ऊपर, ISO 45001 के ऊपर सीरीज जो है वो इन प्रोग्रेस है, और होपफुली बहुत जल्दी 9001 और 14001 वगैरह के ऊपर भी आ जाएगी। अगले किसी लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।